वैसे तो दुनिया में कई ऐसी अनोखी शादियां होती रहती हैं जिन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं राजस्थान राज्य के धौलपुर में हाल ही में एक शादी हुई जो काफी चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस शादी में बैंड बाजा और बाराती सभी थे, लेकिन इस शादी में घोड़ी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई जाति विशेष की बारात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस बारात में दुल्हा घोड़ी न चढ़कर हाथी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचा। धौलपुर में ये अनोखी बारात देख कर लोग घरों से बाहर आ गए और देखते ही देखते बारात को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बारात में दुल्हे राजा महाराजा की तरह सज धज कर हाथी लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। यह अनोखी बारात और बाराती जिले के पटपरा रोड स्थित माया पैलेस में आई। इस दौरान दुल्हे राजा और उनका परिवार राजा महाराजा की तरह अपने अंदाज में बारात लेकर पहुंचे। यह अनोखी बारात शरीफ खान की बेटी शाहीन की थी। जिस रास्ते से यह बारात गुजरी वही लोगों की भीड़ देखने के लिए इकट्ठी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शाहीन का निकाह सूफी मोहम्मद इसराइल फसाहती के शहजादी सूफी इमरान हसन इसराइली की शादी शाही अंदाज में हुआ। यह शाही शादी की बारात गुरुद्वारा रोड कोटला मोहल्ला का ITR रोड वाटर वर्क्स चौराहे से घंटाघर होते हुए शादी के स्थान पर पहुंची। इस बारात में दुल्हे राजा के फूफा को दो ऊंटों पर बिठाया, वहीं दुल्हे के बड़े भैया और बड़े बहनोई को घोड़े पर बिठाया। इसके अलावा दो दो घोड़ों वाले तीन बग्गियां भी थी। इसके साथ ही दुल्हे राजा हाथी पर सवार थे और लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। बारात निकलते ही जहां जिस जगह मिली वहां से लोग दुल्हे के दीदार करने के लिए बेताब हो गए।